उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मजोला थाना क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब लाइन पार में बाइक सवार सपा नेता को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के समय वह अपने एक साथी के साथ घर लौट रहे थे। हमलावरों ने करीब 800 मीटर बाइक दौड़ाकर प्रकाश नगर चौराहे तक 5 फायर किए, जिसमें एक गोली सपा नेता को बाजू को पार करते हुए पीठ में लग गई। घायल को साई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सपा के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी भी घायल को देखने अस्पताल पहुंच गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भी घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुरादाबाद जनपद के मजोला थाना क्षेत्र के पुतलीघर रोड निवासी दीपक चौधरी उर्फ मंत्री सपा नेता हैं। आज करीब 10 बजे दीपक अपने एक साथी के साथ लाजपत नगर से घर से लौट रहे थे। उनकी बाइक कपूर कंपनी पुल पार चिड़िया टोला में पहुंची। इसी दौरान दो बाइकों पर आए 5 बदमाशों ने एक के बाद एक 5 फायर किए। बताया जा रहा है कि दीपक के दोस्त ने बाइक तेजी से लहराते हुए दौड़ाई, जिस कारण हमलावर दीपक को एक ही गोली मार पाए। प्रकाश नगर चौराहे से मजोला चौराहे की ओर भाग गए। कई राउंड गोली चलने से लाइन पार में सनसनी फैल गई। बदमाशों के जाने के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घायल को साई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल आ गए। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने साई अस्पताल पहुंचे और घायल के परिजनों से बातचीत की। एसपी सिटी ने बताया कि घायल का उपचार चल रहा है, तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस की एक टीम घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक कर रही है। थाना मजौला में एक युवक है जिसका नाम दीपक चौधरी है, जिस पे गोली चलाए जाने की बात संज्ञान में आई है। इसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ से इसका इलाज कराया जा रहा है। जिस घायल व्यक्ति ने अभी जो बताया गया है कि इसके पूर्व में किसी व्यक्ति के साथ मुकदमा चल रहा था, इसमें कुछ नाम भी बताए हैं जिसपे जाँच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि